नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूँ आप सभी के साथ फहीम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान शहर के मुफस्सिल थाना के समीप जो गोलंबर है, जिसे मीरगंज गोपालगंज मोड़ के नाम से जाना जाता है, वहीं हम अभी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो दिनों से बिहार में या तूफान का असर अच्छा खासा नजर आया। इसी बीच सिवान में भी या तूफान का असर अच्छा खासा नजर आया। दो दिनों के बाद जब मौसम साफ हुआ है तो सिवान के माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग निकल रहे हैं। लोगों का भीड़ जन सैलाब की तरह नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। जो मार्केट में लोग सब्जी वगैरह लेने गए थे, पिछले दो दिनों से बारिश हो रही थी, या तूफान का असर सिवान में भी देखने को मिला और जिसके बाद सिवान में आज लोग ज्यादातर शाम को निकल गए हैं। तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे, सुबह से ही लोग मार्केट आ रहे हैं, मार्केट से घर जा रहे हैं। एक लाइन सा लगा हुआ है, रैली सी लगी हुई है गाड़ियों की। तस्वीरें हम गोपालगंज मोड़ की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग भी आ रहे हैं, उन लोगों से बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जो बिना पास आ रहे हैं उन्हें रोका भी जा रहा है, उन्हें मार्केट के अंदर नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो भी गाड़ियों को रोका जा रहा है, मास्क के थ्रू किया जा रहा है। और देखिए, जो लोग जिनके पास पास नहीं है उनके पास प्रिस्क्रिप्शन जो है, उस प्रिस्क्रिप्शन से ही ये लोग अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। देखिए इनके पास प्रिस्क्रिप्शन, जल्द दिखा दीजिए। देखिए इनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसपे पुलिस इन्हें अंदर जाने के लिए अनुमति दे रही है, लेकिन जो बिना पास के हैं या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के हैं उन्हें यही रोक दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सिवान के गोपालगंज मीरगंज गोपालगंज मोड़ के नाम से जो गोलंबर जाना जाता है, थाने के समीप, वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि आज तूफान का असर पिछले दो दिनों से बिहार में नजर आ रहा था और सिवान में भी अच्छा खासा या तूफान का असर नजर आया, जिसके बाद जब मौसम सही हुआ है यानी मौसम साफ हुआ है तो सिवान में लोग निकलना चालू कर दिए हैं। यानी आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ है। उसी प्रकार पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है और लोगों को घर में रहने के लिए अपील कर रही है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरा पर्सन ताबिश के साथ। वही न्यूज़ इंडिया तक सिवान।